हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है हाउ टू रीड ए बुक। एक व्यूअर है, उन्होंने दो तीन बार मुझे रिमाइंड कराया इस टॉपिक के लिए। पहले तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा। हमें कोई भी किताब कैसे पढ़नी चाहिए, जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है उनको ये पॉइंट बहुत छोटा लग रहा होगा और उनको लग रहा होगा कि ये पॉइंट किसी काम का नहीं है। बट सीरियसली, एक किताब को कैसे पढ़ा जाए, 95% से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता है। खैर, मुझे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ किताब पढ़ने के लिए वो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई भी किताब पढ़नी है, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़नी है, जिस भी यूनिट की पढ़नी है, आप ये देखिए कि क्या आपके पास में उस किताब के लिए कोई ऑप्शंस हैं और भी। फॉर एग्जांपल, आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, लेनिंजर पढ़ें, वॉइट एंड वॉइट पढ़ें, या फिर कोई और इंडियन ऑथर है उसकी बुक पढ़ें। तो अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? मेरे साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम पहले ये हुआ करती थी कि जब मैं कोई बुक पढ़ता था तो जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा तो मुझे ये लगता था कि इसको मैं अभी कंपेयर करूं एक बार कि दूसरी वाली बुक में क्या लिखा है, और फिर मैं साइमल्टेनियसली दोनों बुक्स एक साथ पढ़ना शुरू कर देता था। एक पेज इस बुक का और सेम टॉपिक वाला दूसरा पेज इस बुक का, और दोनों पेजेस में मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इससे नुकसान ये होता था कि टाइम ज़्यादा लगता था, कंक्लूजन कुछ बहुत अच्छा निकलता नहीं था। तो उसके बाद मैंने ये तय किया कि सबसे पहले तो मैं कोई भी एक बुक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वही पढ़ूंगा, या कम से कम एक टॉपिक पूरा का पूरा किसी एक बुक से पढ़ूंगा। बीच में ना तो मैं इंटरनेट के ऊपर कुछ उसको क्रॉस चेक करूंगा, ना मैं बीच में किसी दूसरी बुक से उसको क्रॉस चेक करूंगा। यदि आपके पास में कोई भी ऐसी बुक है जिसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप 2, 3 या 4 अलग अलग राइटर्स की अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, होती हैं ऐसी, इकोलॉजी में तो बहुत सारी बुक्स हैं जो अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं, तो ऐसे केस में आप कोई भी एक बुक उठाओ, सबसे पहले कोई भी एक बुक उठाओ, उस बुक को, उस टॉपिक को उस बुक में पढ़ लीजिए। जब आप एक बार थोरोली एक बुक से कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, तब वही टॉपिक किसी दूसरी बुक से पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है, एट ए टाइम आपको खाली एक बुक पढ़नी है। ऐसा अगर आप करोगे तो मान के चलिए बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, जो मैंने तो देखा है। आप लेनिंजर के अंदर एक टॉपिक पढ़ लीजिए, वही टॉपिक आप वॉइट एंड वॉइट के अंदर पढ़िए। आपको दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दूसरा दोनों बुक्स में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, कौन से एग्जांपल सेम है, कौन से एग्जांपल डिफरेंट है, ये भी पता चल जाएगा। ये सही तरीका होता है। अगर आपके पास में एक बुक को पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, भाई एक ही राइटर की बुक है, आपको वही पढ़नी है खाली, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस बुक का इंडेक्स देखिए, कितने चैप्टर्स दे रखे हैं। चैप्टर्स के नाम अच्छे से रीड करिए, पहले चैप्टर के नाम अच्छे से रीड कर लिए, उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर खोलिए, उस चैप्टर की हर एक हेडिंग को पढ़ लीजिए खाली एक बार, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको क्या मिलने वाला है पढ़ने के लिए। ये आइडिया लेना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बुक उठाई और उसकी पहली लाइन से पढ़ना चालू कर दिया। आप 4, 5, 7, 8 लाइन तो पढ़ पाओगे, उसके बाद में पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा।
ऐसा कभी मत करिए कि कोई चैप्टर खोला और उसकी फर्स्ट लाइन से बस रीड करना स्टार्ट कर दिया कि मैं तो इसकी फर्स्ट से लेके लास्ट लाइन तक सारा पढ़ूंगा। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप एक चैप्टर के अंदर पहले उस पूरे चैप्टर को पलट के पन्ने पलट के देख लीजिए, क्या हेडिंग लिखी है, क्या डायग्राम दे रखे हैं। इससे आपका माइंड एक बार के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। और जब आप उस चैप्टर को फिर स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें कनेक्ट भी होने लगेगी कि कोई टर्म आया या कोई प्रोसेस आई तो आपको ये रहेगा कि हाँ, ये इसी चैप्टर में आगे लिखी हुई है, आने वाली है, तो थोड़ा सा आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। यदि आपके पास में यही ऑप्शन है कि एक बुक पढ़नी है तो आप इसको फॉलो करके देखो। पहले इंडेक्स उठाओ, उस इंडेक्स को रीड करो आराम से, पता चलेगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा, कोई चैप्टर खोलो, पूरे चैप्टर के पन्ने पलट के हर हेडिंग पढ़ो, हर हेडिंग पढ़ो, हर डायग्राम को एक बार मोटा मोटा देख लो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ऐसा करने से, पढ़ने से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, करके देख लो, बहुत सही लगेगा और बुक पढ़ने का मन भी करेगा। यदि आपके पास में दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं किताबों के, सिंपल, सबसे पहले बिना सोचे समझे केवल एक किताब पढ़ो या एक टॉपिक उस किताब से पढ़ो पूरा। बीच में ना तो इंटरनेट की हेल्प लेनी है हमको, ना किसी साइमल्टेनियसली दूसरी बुक की हेल्प लेनी है। हाँ, अगर आपके पास जैसे नोट्स है, सपोज करिए कि आपने कोचिंग कर रखी है, आपके पास में नोट्स है, पहले अपने नोट्स में वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, फिर एक बुक उठाओ, फिर दूसरी बुक उठाओ। साइमल्टेनियसली दो बुक्स पढ़ोगे तो टाइम किलिंग होगी, प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों को ये रहता है कि इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़े या फॉरेनर ऑथर्स की बुक्स पढ़े। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फॉरेनर ऑथर्स हैं जो वो कोई मैजिक करते हैं, उनकी किताबों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती, ऐसा नहीं है। इंडियन ऑथर्स की भी कई किताबें ऐसी हैं जिनमें इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है, इतने बेसिक्स दे रखे हैं, जो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा वास्तव में ये सब्जेक्ट का नॉलेज बेसिक्स से हो रहा है हमको। तो कुछ मामलों में इंडियन ऑथर्स की बुक्स भी बहुत अच्छी होती है, बाकी डिपेंड करता है आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या आपका सब्जेक्ट है, कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको एक टॉपिक के लिए एक बुक पढ़नी है लेकिन उस पूरी बुक में बस वही टॉपिक आपके काम का है, तो कोई बात नहीं, बस वो टॉपिक पढ़ के छोड़ो उस बुक को, और ज़्यादा उस बुक के साथ में कुछ नहीं करना है। तो आप जो चीज़ें मैंने बताई है एक बार फॉलो करके देखो, फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ कमी है तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही, जेनेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एक या दो टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद में कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है कमेंट करके बता दो, वही यूनिट स्टार्ट कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर कोई और टॉपिक में वीडियो बनाना हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके और लगे आपको कि मैं बना सकता हूँ, तो मुझे वो भी बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।